Hello, what's up, beautiful people! Welcome back to another video. Myself Firfan ahmad Today in this video, we will discuss about last phase of disaster management cycle: rescue, relief, rehabilitation, and reconstruction. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. Rescue. Rescue phase usually lasts first forty-eight to seventy-two hours after the disaster, when the rate of survival of tripod victims is high. जो रेस्क्यू फेज है वो कब स्टार्ट होता है जो डिज़ास्टर के आने से पहले ही फोट सेवन फोर्टी एट से सेवेंटी आवर्स तक रहता है जब भी डिजास्टर आता है डिज़ास्टर के बाद वेन द रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ट्रैपड विक्ट हाई जब ज्यादा से ज़्यादा वो विक्टम्स ट्रैप हुए हैं उनका जो सर्वाइवर रेट है वो जब से ज़्यादा हो ये तब ही रेस्क्यू फेज इतने टाइम तक रहता है रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन हाउर आफ्टर द फर्स्ट टू टू थ्री डेज द रिसोस अलॉटेड फॉर रेस्क्यू इज़ कम्पेरेटिवलीस ऑल अदर प्रायोरटीज़ टेक ओवर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये ज़्यादा समय तक रहता है जब भी कभी कभार डिज़ास्टर आए मगर जब दो तीन दिन के बाद जो भी रिसोर्स होते हैं इन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इन इन रेस्क्यू फोर्स के पास वो कम पड़ जाते हैं फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होता है ख़त्म होता है सेकेंड जो है वो है रिलीफ फेज़ रिलीफ फेज़ फॉलोड फेज इमडियटली आफ्टर द रेस्वू फेज़ जो ये रिलीफ फ़ेज़ है ये फ़ौरन ही शुरू होता है रेस्क्यू फेज रेस्क्यू फेज के बाद जूरिंग द रिलीफ फेज बेसिक नेसेसिटीज़ और प्रोवर्टिव विक्टेम्स अफेक्टेड बाय द डिज़ास्टर और इस फेज़ के दौरान जो भी विक्टम्स जो भी अफेक्ट हुए डिज़ास्टर को डिज़ास्टर से उनको बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिक सप्लाइज देते हैं इस फेज़ में रिलीफ फेज में लास्ट बिटवीन वन टू थ्री मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिज़ास्टर ये जो रिलीफ फेज़ है ये ये एक या तीन महीने तक चलता है जित ये डिपेंड है किस पर जरा ने कितना डैमेज किया है एंड द रिसोज़ ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रिसोसेज कितने हैं उस हिसाब से उसके उस हिसाब से भी ये चलता है ह्यूमन एंड अदर लॉसिस आल्सो यूजुअली कैरड जूरिंग दिस फेज़ जो भी इफेक्टेड इफ़ेक्ट हुआ लॉसिस हुए हैं ह्यूमन प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट या ह्यूमन लॉसिस तो ये सारा ये सारे लॉसेज इसी फेज़ में आते हैं और जो नेक्स्ट uh, है रेहेबिलेशन एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन फेज। रेहेबिलेशन और फेज एम्स टू रेस्टोर द कम्युनिटीज़ टू द प्री डिज़ास्टर स्टेटस जो रेहेबलेशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन फेज है इसमें एम किया जाता है जो इफेक्ट जो भी इफेक्ट डिज़ास्टर से हुआ है जो भी इम्पैक्ट डिज़ास्टर से हुआ है उसको रेस्टोर करे जूरिंग दिस फेज़ द सोशल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रेस्टोरड एंड इकनॉमी रिवाइटलाइज और जो भी इफेक्ट uh, हुआ है डिज़ास्टर से सोशली या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर या एन्वामेंटली वो सारा इफेक्ट इसी फेज़ में डिज़ास्टर हुआ या, है या इकोनॉमी इम्पेक्ट हुई है वही वही सारा इम्पेक्ट इस, इस फेज़ में रेस्टोर किया जाता है द रेबिलेशन रिकॉन्स्ट्रक्शन फेज टिपिकली स्टार्ट एट द एंड फेज एंड मे लास्ट फॉर सर्वल ईयर्स और जो ये रिहेबलेशन और रिकॉन्स्ट्रक्शन फेज है ये स्टार्ट होता है इमिडियटली आफ्टर द रिलीफ फेज और ये लगभग दो तीन सालों सर्वल ईयर्स तक रहता है नाउ वी विल सी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल एग्जाम में आया था वट इज़ हीट वेव ए हीट वेव इज द पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर दैन दो नॉर्मल मैगजिम टेम्परेचर दैट ऑकर्स जुरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हीट व हीट वे एक पीरियड होता है जो जो नॉर्म एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर से एग्जांपल अगर नॉर्मल टेम्परेचर टेन डिग्री हो ये अब इंक्रीज होता है ट्वेंटी डिग्री तक और ये कहाँ कहाँ पर आता है ये आता है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हीट वेव ऑकर टिपिकली बिटवीन मार्च एंड जून एंड इन सम समयर केसेस इवन एक्सटेंड अप टिल जून और ये आता है मार्च uh, और जून के महीने के दरमिया और कुछ रेयर केस में ये जुलाई के महीने भी आ सकता है सो so, इस तरह होता है ये आज का वीडियो कंप्लीट इसी के साथ होती है हमारी सिक्स सिस्टम फंडामेंटल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट आई होप आप सब सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए होंगे और प्रेपरेशन ठीक चल रही होगी आई होप मेरे साथ सारे एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाए कामयाबी हासिल करें सो so, अगर आप और भी क्वेश्चन या इसके रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट चेक करें वहाँ सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो